बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये वही के सी वैल्यू का कंटिन्यूएशन है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है चार पाँच मिनट की, तो उसमें के सी इट्स इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस, के सी वैल्यू की मदद से हम एक रिएक्शन के बारे में क्या क्या मालूम हासिल कर सकते हैं, तो उस पर मैंने डिटेल डिस्कशन की है। लेकिन फिर वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दी है। आप वो देख लें तो फिर आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मुख्तलिफ ईटा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि 2018 के इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में सेम ही क्वेश्चन आया था, सेम पैटर्न का। विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन आर इक्वेशन हैव हाई वैल्यू ऑफ के सी। सो लाजिम इसी बात है, आपने अपने कोर्स में पढ़ा है कि द के सी वैल्यू मे बी वेरी लार्ज, इट मे बी वेरी स्मॉल एंड इट मे बी मॉडरेट। एज वी नो द वैल्यू ऑफ के सी इज एक्चुअली द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की रेशो है। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, व्हेन द केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, देन एट दैट टाइम द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेशो इज एक्चुअली कॉल्ड द वैल्यू ऑफ के सी। नाउ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम विल डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ के सी। लेट सपोज के सी इज वेरी लार्ज। लार्ज तब होगी जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये क्या होगी, कम होगी। तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, सो के सी वैल्यू इसके क्या होगी, वेरी लार्ज। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में किसकी वैल्यू, के सी वैल्यू वेरी लार्ज होगी। तो अगर हम देख लें कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा तब होगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट कम तब होगा जब रिएक्टेंट ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। के सी वैल्यू वेरी स्मॉल कब होगी, अगर प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बहुत ही कम मिकदार में है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा कब होगा, जब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तो लाजिम इसी बात है कि प्रोडक्ट फिर कम होगा। सो लेट्स डिस्कस, हाइड्रोजन मालिक्यूल रिएक्ट विद क्लोरीन मालिक्यूल टू फॉर्म HCl। सो हाइड्रोजन मालिक्यूल इज़ एक्चुअली अस्टेबल मालिक्यूल, क्लोरीन इज एक्चुअली आल्सो अ स्टेबल मालिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इट इज़ आल्सो अ स्टेबल कंपाउंड। सो इट मीन्स ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव एप्रिशिएबल स्टेबिलिटी टू बी एग्जिस्ट इन नेचर। दैट्स वाई इसकी के सी वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट, न ज़्यादा न बहुत कम होगी। दम नंबर सेकंड, ईस्टर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। ईस्टर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इट इज़ एक्चुअली द ईस्टर रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, ये वापस वाटर में हाइड्रोलाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाएगा। तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो गिवन कंपाउंड है सारे स्टेबल है। सो इट मीन्स कि सारे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, या जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो सारों की एप्रिशिएबल क्वांटिटी मौजूद होगी। तो इसके लिए भी के सी वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट होगी। नंबर सी ऑप्शन, क्लोरीन एटम रिएक्ट विद क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो एज यू नो क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 7, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम द maximum amount of chlorine atom will tend to form the chlorine molecule. So obviously at equilibrium the concentration of molar concentration of chlorine will be much more high than the reactant. So obviously इस रिएक्शन की के सी वैल्यू क्या होगी, वेरी लार्ज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन, कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म CH4। सो ऑब्वियसली इट विल आल्सो हैव मॉडरेट के सी वैल्यू। सो इट मीन्स के सी वैल्यू उसकी लार्ज होगी जिसकी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल और रिएक्टेंट इंतहाई ज़्यादा क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। सो अगर के सी वैल्यू लार्ज है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इट इज़ मोर नॉन स्पॉन्टेनियस इन विच डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है क्या होगा, एक्सोथर्मिक, तो ये रिवर्स में क्या होगा, एंडोथर्मिक।
इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की क्या होगी, इंतहाई कम होगी, लेकिन इसकी रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो ऑब्वियसली दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्राम द वैल्यू ऑफ के सी, दैट इफ के सी वैल्यू इज़ वेरी लार्ज, इट मीन द रिएक्शन इज़ मोर पॉसिबल, इज मोर फीजिबल, इज़ मोर स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड लेस पॉसिबल आर एंडोथर्मिक आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, तो दोनों वीडियो को आप देख लें, तो फिर आपको इनके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.